दोस्तों, मायने में सर पे मार्केट एनालिसिस वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती हो तो फाइनेंशियल एजुकेशन अर्पित को सब्सक्राइब करें और फॉलो करिए। अब बात करता हूँ मार्केट के अंदर क्या हो सकता है, निफ्टी के अंदर और बैंक निफ्टी के अंदर, और कुछ स्टॉक्स भी देखेंगे अपन। जैसे कि मार्केट के अंदर यहाँ देख रहे हो तो वीकली टाइम फ्रेम पर मार्केट एक डोजी कैंडल बनाई है इसने। यहाँ पर डोजी भी बोल सकते हैं, हैमर भी बोल सकते हैं, बट ये एक डोजी है। यहां से मार्केट ऊपर निकलने की कोशिश करता है इस जगह से, तो मार्केट के अंदर अच्छी खासी बाइंग आ सकती है। जिस हिसाब से मार्केट के अंदर, मैंने पिछले हफ्ते मैंने बोला था कि मार्केट जब तक ये नहीं तोड़ सकता 19,200 का मार्केट लो, जब तक नहीं तोड़ता, जब तक अपन बाइंग का ही सोचेंगे, शॉर्ट टर्म में सेलिंग हो सकती है, लॉन्ग टर्म में नहीं हुई थी, ये पिछले हफ्ते मैंने बोला था। अब इस हफ्ते मार्केट जब तक इसके नीचे नहीं तोड़ता, ये स्ट्रांग हो चुका है। 19,200 मार्केट का एक लेवल है जो स्ट्रांग हो चुका है। इसके ऊपर मार्केट निकलता है तो अपन बाइंग करने की कोशिश करेंगे। जिस हिसाब से दिख रहा, मार्केट धीरे धीरे बुलिश होने की कोशिश कर रहा है। अब बात करते हैं डेली टाइम फ्रेम पर। डेली टाइम फ्रेम पर अपन देखते हैं, जैसा कि मार्केट के अंदर ही यहाँ पर मार्केट एक कंसोलेट कर रहा है। यहाँ पर आया मार्केट एक कंसोलेट किया, सेलर्स फिर एक्टिवेट हुए, और फिर 2 दिन के अंदर अंदर मार्केट के अंदर एक बाइंग आ चुकी है। तो मार्केट के अंदर यहाँ का ही बाइंग आई है, तो मार्केट कहीं ना कहीं बुलिश है मार्केट। इसलिए क्योंकि मार्केट बुलिश नहीं होता ना, बायर्स यहाँ एक्टिवेट नहीं होते, तो यहाँ का ही मार्केट इस जगह से ही मार्केट रिवर्सल हो जाता। बट ये मार्केट, इसका हाफ मार्केट ऊपर कर जा चुका है, और इसके भी ऊपर जब निकलेगा, जब 19,700 के ऊपर निकलता है, तो मार्केट के अंदर एक बुलिशनेस हो सकती है, एक बाइंग का हो सकता है। बट मार्केट अभी कंसोलिडेट कर रहा है, तो क्वांटिटी अपन कम रखेंगे और बाइंग की साइड में ज्यादा ध्यान देंगे। बट डेली टाइम फ्रेम पे बात, अब बात करते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर। जैसे कि यहाँ पर मार्केट के अंदर इसके नीचे निकलता है मार्केट, 19,600 के नीचे निकलता है मार्केट, तो मार्केट के अंदर यहाँ कहीं तक के लेवल्स बन सकते हैं, 19,500 के, ये पहला लेवल बनेगा मार्केट के अंदर। और जो दूसरा लेवल जो बनेगा 19,400 का, जो मार्केट के अंदर टारगेट है, ये बन सकता है मार्केट के अंदर दूसरा टारगेट। और मार्केट के अंदर इसके ऊपर निकलने की कोशिश करता है, तो मार्केट के अंदर 19,700 के मार्केट ऊपर निकलने की कोशिश करता है, तो मार्केट कहीं ना कहीं एक बुलिश होगा जो मार्केट को लेके जाएगा 19,800 का। ये मार्केट का पहला टारगेट होगा मार्केट का, और जो दूसरा होगा वो तो होगा 19,900 का। उसके बाद में अपन देखेंगे कि 20,000 तक भी मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। ये हो गया निफ्टी के लेवल्स। बट यहाँ पर 5 मिनट टाइम फ्रेम पर एक बात बता देता हूँ, यहाँ का ही खुलता है गैप अप, खुलता है इस जगह, तो मार्केट के अंदर एक शॉर्ट सेलिंग आ सकती है। क्योंकि यहाँ पर मार्केट कभी कहीं देखा हो तो, हिस्ट्री में देखा हो तो, अभी तो शायद तक हुआ नहीं है, प्रीवियस डे तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है, बट यहाँ पर मार्केट है ना, जब जिस 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 लाइक 3 डेज का होता है कि मार्केट जैसे यहाँ गैप अप खुल रहा है, ये गैप अप खुल रहा है, और ये भी गैप अप खुलेगा, तो मार्केट का सस्टेन नहीं हो पाएगा। क्योंकि यहाँ कंसोलिडेट करके मार्केट नीचे जाने की कोशिश करता है, तो अपन सेलिंग का ही सोचेंगे, जैसा कि यहाँ हुआ था इस जगह, कि यहाँ मार्केट आया, यहाँ का सेलिंग हुई, फिर से बाइंग हो गई, तो यहाँ ये देखना कि मार्केट वापस गैप अप खुल रहा है ना, तो मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं सेलिंग हो सकती है, जो यहाँ कहीं तक लेके जा सकती है। और फिलहाल यहाँ का ही खुलता है, तो यहाँ का ही कंसोलिडेट होगा और मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा, या फिर मार्केट यहाँ से यहाँ जाता है, यहाँ का ही डब्ल्यू पैटर्न बनाता है, तो मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा। सेलिंग एक ही साइड होगा जब गैप अप खुलता है, नहीं तो मार्केट कैसा भी खुले, मार्केट एक बाइंग ही रहेगी। ये हो गया निफ्टी निफ्टी के लेवल्स। बैंक निफ्टी के लेवल्स, जैसा कि मार्केट का वीकली टाइम फ्रेम पर अपन देखते हैं, हैमर कैंडल बनी है यहाँ पर मार्केट के अंदर। जब तक 44,000 का मार्केट लेवल नहीं तोड़ता, इस लेवल को नहीं तोड़ता, जब तक अपन मार्केट के अंदर सेलिंग का नहीं सोचेंगे, ये हैमर बनाया। निफ्टी ज्यादा बुलिश दिख रहा है बैंक निफ्टी से, बट अपन लेवल्स के ऊपर देखेंगे कि मार्केट इस कैंडल के ऊपर ही क्लोज हुआ है, मार्केट कहीं ना कहीं बुलिश हो सकता है बैंक निफ्टी, ये देखना होगा आने वाले टाइम में। बट बैंक निफ्टी निफ्टी ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। डेली टाइम फ्रेम पर अपन जैसा ही देखते हैं, इस जगह इसके नीचे जैसे ही निकलता, 44,000 के नीचे मार्केट नीचे निकलता है, तो मार्केट का अच्छी खासी सेलिंग आ सकती है। और दूसरी बात, मार्केट फॉर एग्जाम्पल इसके ऊपर निकला, 44,800 के ऊपर मार्केट निकला, तो मार्केट के अंदर अच्छी खासी बाइंग आ सकती है। बट यहाँ ही कंसोल लेट चल रहा, तो मार्केट के अंदर इसमें क्वांटिटी कम रखना अभी के अंदर, क्योंकि वॉलेटिलिटी ज्यादा होगी। यहाँ पर मार्केट इसके ऊपर निकला,
तो भी मार्केट के अंदर 44,500 के ऊपर मार्केट निकला, तो मार्केट के अंदर एक बाइंग आ सकती है। और इसमें भी नीचे की साइड में यहाँ का ही निकलता है 44,000 या 44,200 के नीचे मार्केट निकलता है, प्रीवियस लो तोड़ता है, तो मार्केट के अंदर सेलिंग आ सकती है जो यहाँ कहीं तक लेके जाएगी, 44,000 तक मार्केट को लेके जा सकती है मार्केट। ये हो गया बैंक निफ्टी के लेवल। अब स्टॉक्स देख लेते, स्टॉक्स के अंदर पहले देख लेते गोदरेज प्रॉपर्टी। गोदरेज प्रॉपर्टी क्या कर रहा है फॉर एग्जाम्पल, मार्केट के अंदर यहाँ देख रहे हो तो एक रेजिस्टेंस भी है मार्केट के अंदर, ये प्रीवियस डे बहुत अच्छा खासा बाइंग आ चुकी है इसके अंदर, तो अपन वेट करेंगे यहाँ का ही कंसोलेट होने का, यहाँ का ही कंसोलेट होने का वेट करेंगे 16,550 के मार्केट नीचे जाता है, या इस कैंडल का हाफ फॉर एग्जाम्पल, इस कैंडल का ये हाफ निकाल देता है तो अपन बाइंग नहीं करेंगे, अपन सेलिंग का सोचेंगे इस स्टॉक के अंदर। बट अभी बाइंग दिख रहा है, यहाँ कहीं कंसोलिडेट होता है तो मार्केट के अंदर एक बाइंग आ सकती है जो मार्केट को लेके जाएगी 18,000 तक, मार्केट को ऊपर लेके जा सकती है, ठीक है, इसके ऊपर जैसे जैसे निकलती है मार्केट। बट एक बार कंसोलिडेट होना चाहिए पहले प्रीवियस डे, एक दो ए मंडे ट्यूसडे कंसोलिडेट होना चाहिए, फिर मार्केट निकलता है तो बहुत अच्छे खासे बाइंग आएगी जो मार्केट को 18,000 तक लेके जाएगी और इसके ऊपर भी लेके जा सकती है मार्केट को। अब बात करते हैं एबीबी कैपिटल। एबी कैपिटल में देख रहे हो तो यहाँ का ही देख रहे हो तो एक डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन दिख रहा है, ये देख रहे हो तो ये डब्ल्यू पैटर्न का एक फॉर्मेशन दिख रहा है मार्केट के अंदर। यहाँ एक एक ही कैंडल ने मार्केट के अंदर एक बाइंग कर दी है, एक डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन है, बट मार्केट के अंदर इसके ऊपर ऐसे ही निकला 188 के ऊपर जैसे ही निकला, तो मार्केट को एक इसके ऊपर जैसे ही निकला 182 के ऊपर मार्केट जैसे ही निकला, तो मार्केट के अंदर 185 का मार्केट का पहला टारगेट होगा, और जो दूसरा होगा मार्केट के अंदर वो होगा तीसरा, दूसरा जो होगा 190 का, ये दूसरा टारगेट होगा, ये मार्केट के अंदर टारगेट हो सकते हैं। अब बात करते हैं बजाज फाइनेंस के। बजाज फाइनेंस के अंदर फॉर एग्जाम्पल ये मार्केट का ऑल टाइम हाई जा चुका है, इसने एक कप पैटर्न था, देखा हो तो कप पैटर्न था 2021 में, मार्केट का इसने तोड़ा था मार्केट को 2021 से, कंसोलिडेट हो गया इस अब निकला है, तो मार्केट के अंदर ये और जा सकता है, ये 9,000 तक जा सकता है मार्केट के अंदर, ये ध्यान रखना मार्केट 9,000 तक जा सकता है इस ये कप पैटर्न टूटा है मार्केट, और शायद तक सीजन भी हारा दिवाली सीजन, तो मार्केट के अंदर शायद तक मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है, ये हो गया ये लेवल। इसके ऊपर निकलेगा जैसे ही अपन बाइंग करेंगे, और ऊपर का टारगेट जो बनाएंगे वो 9,000 का लेवल बनाएंगे अपन, ठीक है। ऐसी और वीडियो देखने के लिए फाइनेंशियल एजुकेशन को सब्सक्राइब करिए और फॉलो करिए। थैंक यू।